प्रयोग आप लोग अपने प्रैक्टिस में करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो यह कल्प का नाम है लीला विलास रस। लीला विलास रस आप लोग अपने प्रैक्टिस में तो यूज़ करते ही होंगे, बहुत सारे कंपनियां भी बनाती हैं इसको, और इसका प्रयोग करना चाहिए। तो मतलब जो अम्ल पित्त के पेशेंट होते हैं, हाइपर एसिडिटी के पेशेंट होते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न हो रहा होता है, पित्त का उष्णता तीक्ष्णता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके वजह से ना पित्त बहुत ज़्यादा प्रकोपित हो जाता है। पित्त प्रकोपित हो गया उसके वजह से जो तकलीफ होती है उसके लिए ना लीला विलास रस का प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो लीला विलास रस का हम लोग प्रयोग देखेंगे ना, तो कौन कौन सी अवस्था में इसका प्रयोग करना चाहिए, कितना मात्रा में करना चाहिए, कौन कौन सा अनुपान होता है, और व्याधि की कौन कौन सी अवस्था में इसका प्रयोग करना चाहिए, और इसका नाम लीला विलास रस क्यों पड़ा है, यह सब जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी कल्प को अच्छे से नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसीलिए ना। और ब्लाइंडली कभी भी कोई भी मेडिसिन किसी भी पेशेंट को मत दीजिए, उसको समझिए कि यही मेडिसिन क्यों सेलेक्ट करना है, यही मेडिसिन क्यों देना है रोगी को, और कौन सी अवस्था में देना है। तो इसके लिए मैं पहले लीला विलास रस के बारे में बता देता हूँ। तो लीला विलास रस जो है ना, इसमें क्या क्या है कंटेंट्स वो देखते हैं। तो सबसे पहले ना शुद्ध पारा है, शुद्ध गंधक है, फिर उसके बाद में अभ्रक भस्म डाला हुआ है, शुद्ध ताम्र भस्म डाला हुआ है, सभी को समान मात्रा में ले लेना है, और पारा गंधक की कज्जली बना लेना है। पारा गंधक की कज्जली है समान मात्रा में लेके, तो यह रस कल्प हो गया। तो इसमें अन्य भस्म मिला देना है, फिर उसके बाद में आंवला और बेहड़ा का रस जो है उसका रस में, स्वरस में या क्वाथ में 3 दिन तक घोटते रहना है, मतलब मर्दन संस्कार करते रहना है। और फिर एक दिन जो भांग होता है, भांगरे का रस है, उसमें उस रस की भावना देना है, और उसके बाद में दो दो रत्ती की गोलियां बनाना है। इसी को ना अम्ल पित्त रोगाधिकार में भेषज रत्नावली में बताया है। वह श्लोक क्या है वह हम देखते हैं, और उसके बाद में क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसा बताया है कि रसो बलिर व्योमस वयोमरस विस्तु लोहम धान्याक्षरणी शनि स्त्रीधनम विमर्द्यम तदल्प कृष्ट मृदुपाकर वेण समर्दे ही रक्ति मात्रम हन्यदम्लपित्तम विविध प्रकारम लीला विलास रसुरसराज एष सर्दिशूलम हृदयस्तदाहम निवारे देशना संशुअत्र दग्धम सकुष्मांडरसम सधात्रिफलम समितम ससितम भजेद्वा। इसका मतलब यह है कि यह पारा और गंधक लेना है, अभ्रक भस्म लेना है, ताम्र भस्म लेना है, इन सबको लेके, और फिर सम प्रमाण में आंवला और बेहड़ा इसका स्वरस या काढ़ा में डालकर 3-3 दिन तक घोटना है। 3-3 दिन घोटने के बाद पूरा मर्दन होके बहुत अच्छा ये फाइन ये हो जाएगा, एक मेडिसिन तैयार हो जाएगा। उसमें फिर एक दिन क्या करना है कि भांगरे का रस लेना है, भांगरे का रस पूरी तरह से घोटते जाना है। जब घोटते घोटते वह अच्छे से पूरी तरह से बन जाएगा, संस्कारित मेडिसिन बन जाएगा, फिर उसका ना दो दो रत्ती की गोलियां बना देना है। और यह लीला विलास रस है, इसको ना रसों में श्रेष्ठ बताया जो अम्ल पित्त की दवाई है। अम्ल पित्त में जब हृदाह रहता है, मतलब आप लोग के पास पेशेंट आते होंगे तो उनको ना हार्ट बर्न हो रहा होता है हाइपर एसिडिटी की वजह से, तो उसमें क्या रहता है कि ना उष्णता तीक्ष्णता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यकृत से जो पित्त निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा उष्ण और तीक्ष्ण निकल रहा है, उसकी वजह से उष्ण तीक्ष्ण और द्रव गुण से बढ़ा हुआ है। इसकी वजह से ना हाइपर एसिडिटी का फीलिंग आता है। आप लोग के ये कॉमन आप लोगों ने देखा होगा, रात्रि जागरण भी कर लिया बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने रात्रि जागरण कर लिया, नींद पूरा नहीं हुआ, उसकी वजह से भी हाइपर एसिडिटी हो जाती है। उसी तरह से उल्टी आने लगती है, वमन होने लगता है, पित्त सर्दी जो बोलते हैं उल्टी आने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है, फिर हृदय हृदय प्रदेश में ऐसे जलन जैसा फील होने लगता है, अम्लपित्त होता है। तो इसमें लीला विलास रस का प्रयोग किया जाता है। दो दो रत्ती की गोलियां हैं, 2 BD, मतलब व्यानोदान काल में खाना खाने के बाद देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इसका अनुपान जो है वो दूध के साथ दे सकते हैं, लीला विलास रस को दूध के साथ दे सकते हैं। पेठे का रस जो रहता है, आगरे का पेठा होता है, मतलब काशीफल, लाल भोपला जो बोलते हैं, लाल लौकी, उससे आगरे का पेठा बनता है, तो वह पेठा के मिठाई के साथ भी दे सकते हैं, या उसका स्वरस के साथ, या वह डायरेक्ट भी खाने को दें, इसके साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब उसका हलवा वगैरह बना के भी दें तो उससे फायदा होता है, या फिर आंवला के साथ दें या खांड के साथ दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। लीला विलास रस का मतलब कैसे भी ना गुलकंद के साथ दें, आंवले के मुरब्बा के साथ दें, तो यह अम्ल पित्त को ठीक कर देता है। अब हम ना ये देखेंगे कि लीला विलास रस का कार्य कैसे होता है, उसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। यह एनालिसिस किया नहीं जाता है, मतलब यह पढ़ाया नहीं जाता है कि ये क्यों। अभी क्या है कि अम्ल पित्त की दवाई कामदुधा भी है, सुदशेखर रस भी है, फिर प्रवाल पंचामृत भी है, प्रवाल पिष्टी भी है,
कपर्दिका भस्म भी है, बहुत सारी दवाइयां हैं। तो हम यह लीला विलास रस ही क्यों देना है और कौन सी अवस्था में देना है यह जानना जरूरी है। उसके पहले यह हम देखते हैं कि यह जो लीला विलास रस है इसको कंटिन्यू दे सकते हैं। जिन लोगों को ना अम्ल पित्त की बीमारी रहती है या फिर पेप्टिक अल्सर रहता है, ड्योडिनल अल्सर रहता है, तो वहां पर पित्त का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा होता है। इतना ज्यादा पित्त बनता है ना कि अल्सर तक उत्पन्न हो जा रहा है और वह इतना हाई लेवल का पीएच का ये रहता है, पित्त रहता है। तो इसीलिए ना पित्त की तीक्ष्णता और उष्णता इसको कम करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम उष्णता तीक्ष्णता नहीं कम करेंगे तो शरीर में और नुकसान दे सकता है। जो एक ये रहता है म्यूकोजल लेयर रहता है ना, उसको वो डैमेज करते जाता है, अल्सरेशन करते जाता है, पित्त इतना बढ़ जाता है, यकृत इतना ज्यादा। और इसमें हेतु भी रहता है, ऐसे ही नहीं है, हेतु क्या रहता है तो पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करना। अब पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन मनुष्य करता है तो क्या रहता है, तो उसमें क्षार का सेवन ज्यादा करना, खट्टे चीजों का सेवन करना, कटु रसात्मक गर्म मसालों का सेवन करना, तेल से बनाए हुए चीज खाना, फिर रात्रि जागरण करना, अजीर्ण हुआ है उसके बाद भी खाना खाना, या बहुत सारे कारण होते हैं जो पित्त को प्रकोपित करते हैं। चिंता बहुत ज्यादा करना, रात को नींद न आना ठीक से, फिर क्रोधात पित्तम, क्रोध बहुत ज्यादा मात्रा में करना, इसके वजह से भी पित्त बढ़ जाता है। या चाय चाय पत्ती डाल के दिन भर चाय पीते रहना, या फिर गुटखा खाना, माणिकचंद खाना, टोबैको का सेवन करना। आप लोग को पता है कि यहाँ पर क्या करते हैं कि टोबैको को भून देते हैं और भूनने के बाद ना मंजन की तरह लगा के रखते हैं, बहुत सारे लेडीज लोग करते हैं। तो यह कुछ कुछ ऐसे परंपरागत ऐसी विकृति आ गई, मतलब जिसको हम बोलेंगे व्यसन हो गए, तो उसके वजह से भी अम्ल पित्त की शिकायत हमेशा रहती है। या फिर कुछ ऐसे आहार विहार का सेवन ज्यादा किया जाता है जिससे अम्ल पित्त की तकलीफ हमेशा रहती है। तो इसके वजह से यकृत जो है, अब जो भी खाते हैं उसको वो पचने के बाद आहार रस बनता है, आहार रस में पित्तवर्धक आहार विहार का पित्तवर्धक सारा चीज जा रहा है, उसके वजह से यकृत पे लोड पड़ता है। यकृत फिर क्या करता है कि वह जो आहार रस है उसी में पित्त का सिक्रेशन और करने लगता है। उसके वजह से क्या होता है कि बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती है, तो वहां पर जो म्यूकोजल लेयर रहता है वह गड़बड़ होने लगता है। अब जैसे कार है या कोई भी हमारा मशीन है, उसको अगर हम गलत तरीके से चलाएंगे, कार को हम गलत चलाएंगे, रफ ड्राइविंग करेंगे, तो कार खराब हो ही जाएगा, उसका इंजन खराब हो जाएगा, उसका इंजन ऑयल लीक होने लगेगा। उसी तरह से शरीर को अगर हमने गलत उल्टा पुल्टा तरीके से सब खाना पीना सब हमने ध्यान नहीं दिया, तो शरीर एक मशीन की तरह है, उसका भी फंक्शन एकदम गड़बड़ हो जाएगा और वही विकार हो जाता है। और जहां पर भी ख वैगुण्यता आ जाती है वहां पर यह संप्राप्ति घटित हो जाती है। अब क्या है कि जैसे कि पित्त की तीव्रता बहुत ज्यादा है, एसिडिटी पीएच लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा है, अम्लता बहुत ज्यादा है, पित्त बहुत ज्यादा खट्टा है, जो अम्ल अवस्था पाक में विदग्धा जीर्ण हो रहा है, मतलब पित्त इतना ज्यादा है कि अजीर्ण जैसी स्थिति पैदा कर रहा है, अम्ल पित्त कर रहा है, तो उसको लीला विलास रस जो है वह कम कर देता है। फिर प्यास बहुत ज्यादा लग रही होती है, फिर उसके बाद में क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है, तेज महाभूत प्रधान विकृति आ गई है, इसलिए ना अग्नि आग्नेय तत्व ज्यादा बढ़ने की वजह से जलीय तत्व कम हो गया है और पार्थिव द्रव्य कम पार्थिव तत्व कम हो गया है और तेज वगैरह बढ़ गया है, तेज प्रधान तत्व बढ़ जाने से हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम होने लगता है। इसलिए ना तृष्णा लगती है क्योंकि तो जल महाभूत कम हो गया, इसलिए प्यास लगती है बहुत ज्यादा। यह एनालिसिस करके समझना बहुत जरूरी है। फिर उल्टी आने लगती है, उल्टी में भी बहुत ज्यादा खट्टा खट्टा बहुत ज्यादा एसिड निकलता है, या फिर उल्टी आएगी या फिर उल्टी आने जैसा जी मिचलाएगा, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। फिर हृदय में दाह होता है, कभी कभी पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, कभी कभी पांडु रोग हो जाते हैं। अब पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने से पांडु रोग ऐसा बताया है, धातुओं का इंटरनल स्वेटिंग होता है और इंटरनल स्वेटिंग होने की वजह से स्नेहांश की कमी हो जाती है और उसके वजह से त्वचा त्वचा वगैरह में ना पांडुता आ जाती है और उसको हम पांडु रोग बोलते हैं, रक्तवाह स्त्रोत की दुष्टि हो जाती है। उसी तरह से प्रदर रोग होता है, मतलब अगर पित्त ज्यादा बढ़ गया तो रक्त को दूषित करेगा, आर्तव को दूषित करेगा और हैवी मेंसेस आने लगते हैं, जिसको मेट्रोरेजिया बोलते हैं, अस्त्रिक दर बोलते हैं, मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया बोलते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस आते हैं। यह भी पित्त की दुष्टि की वजह से, रक्त की दुष्टि की वजह से होता है। तो इसमें भी अगर लीला विलास रस को दे दिया हमने, मेन कारण क्या है अस्त्रिक धर का, कि पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन कर रहे हैं। इसी तरह से परिप्लुता योनि व्यापद में भी पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन होता है। बहुत सारे कंडीशन में पित्तवर्धक आहार विहार से यह हेतु है, उससे एक व्याधि होती है, उसका कॉम्प्लिकेशन दूसरी व्याधि होती है, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर पांडुता आ रही है शरीर में, प्रदर रोग हो रहा है, मूत्र कृच्छता हो रही है, मतलब बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है,
पित्त के वजह से वहां पे जो जलीय महाभूत है वह कम हो रहा है और उसकी वजह से कठिनाई से मूत्र प्रवृत्ति हो रही है, ऐसा कंडीशन आ जाता है। या नेत्र दाह है, बर्निंग इन द आईज, ऐसा कंडीशन है। उसमें भी लीला विलास रस, ये जो भी पित्तवर्धक जो भी कंडीशन आ रही है उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। और गुणधर्म के हिसाब से देखेंगे तो इसमें ताम्र भस्म है, अभ्रक भस्म है। अभ्रक का काम है रीजनरेट करना, नए नए सेल बनाना। ताम्र का काम क्या है, यकृत को उत्तेजना करना, यकृत को उत्तेजना करना और योग्य प्रकार का पित्त का स्त्राव करना, मतलब पित्त का नियंत्रण करना, पित्त को बैलेंस करना, यह कार्य इसका रहता है, ताम्र भस्म का रहता है। और दूसरा क्या है कि यह उदर की क्रिया को अच्छा कर देता है, उदर का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो अभ्रक और ताम्र वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छा कर देगा। और दूसरा है यकृत की क्रिया को अच्छा करेगा। पारा और गंधक का जो कज्जली है वो काम करेगा लेकिन वो कैटलिस्ट मतलब योगवाही के रूप में काम करता है। और यह क्या करता है कि पाचक रस उत्तम क्वालिटी का, जब लीला विलास रस का सेवन करते हैं ना तो पाचक रस उत्तम क्वालिटी का बनने लगता है और शरीर में फिर बल और वृद्धि करता है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें यह कार्य कैसे करता है, ये कार्य जानना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि मैं एक मिनट बताता हूँ, क्या होता है ना कि ऐसे ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, एक मिनट रुकिए, क्योंकि ना मैं ना आप कोई भी चीज़ पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ ना तो हमें हमारे गुरुजी ने बोला है कि पूरी तरह से एनालिसिस करो, प्रैक्टिकल समझो हर पेशेंट को और तभी ये मेडिसिन सेलेक्ट करो और तभी मेडिसिन दो पेशेंट लोगों को, क्योंकि पेशेंट जो आते हैं ना बहुत भरोसे के साथ हमारे पास आते हैं। कभी भी ऐसा दवाई नहीं देना है कि पेशेंट को ना वह दवाई का फायदा नहीं हो रहा है, अपने तरफ से दे दीजिए दवाई, परफेक्ट दवाई रहना है। और हमें ना और कोशिश करते रहना चाहिए कि हम और अच्छे दवाई पढ़ के और फिर डोज को सेलेक्ट करके दें। कभी भी ऐसा अहंकार नहीं रखना चाहिए कि हम जो दे रहे हैं वही सच है। पेशेंट को परहेज बोलना चाहिए लेकिन दवाई भी अपना योजना युक्ति जो है वो अच्छे से होना चाहिए। तो क्या होता है कि इसका प्रयोग जो रहता है लीला विलास रस का, उसका प्रयोग अम्ल पित्त में होता है, हाइपर एसिडिटी में, ऊर्ध्वक अम्ल पित्त हो गया या अधोक अम्ल पित्त हो गया उसमें बहुत अच्छा होता है। उल्टी जब आ रही है, वांति हो रही है तो उसमें बहुत अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा ना पित्त की वजह से कंठ में, उर में और कंठ में, हृदय में, सब जगह दाह होने लगता है, बर्निंग होने लगता है। उसी तरह से कड़वा कड़वा पित्त उल्टी में निकलने लगता है, फिर आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और चक्कर आने लगता है, वर्टिगो होने लगता है पित्त के वजह से। और दूसरा क्या होता है कि उल्टी इतना भयंकर आता है, इतना भयंकर आता है कि कंट्रोल ही नहीं होता। कभी कभी उल्टी में खट्टापन रहता है, कभी कभी कड़वापन रहता है। अगर वो ज़्यादा दिन तक रहा तो कड़वापन बढ़ जाता है पित्त में, पित्त की वजह से। दूसरा क्या है कि ना पित्त का स्त्राव अच्छे से नहीं हो रहा होता है, या तो वहाँ पर अग्नि मान देता है, आम संचिति है। और दूसरा क्या है कि वहाँ पर ना जो क्लेदक कफ है वह विकृत हुआ रहता है तो वह आवरण करता है जहाँ पर पित्त सिक्रीशन हो रहा है, और पित्त में द्रव गुण बढ़ जाता है या कभी कभी उष्णता तीक्ष्णता बढ़ जाती है, उसकी वजह से अम्ल पित्त की तकलीफ रहती है। अम्ल पित्त भी दो तीन टाइप का रहता है, अगर एनालिसिस कर दें क्लिनिकली, कुछ कुछ रहता है जिसमें उष्णता तीक्ष्णता रहती है, कुछ कुछ में द्रव गुण बढ़ा हुआ रहता है, जो पित्त के गुण है ना वो विकृत हुए रहते हैं। तो ये सारे में अगर हमने लीला विलास रस दिया तो क्या फायदा होगा कि इसमें ताम्र भस्म है, ताम्र भस्म है और आंवला और बेहड़ा डाला है, हरितकिनी डाला, आंवला और बेहड़ा डाला है। तो ये क्या करता है कि ऐसा मेडिसिन बनाया है कि यह पित्त का रेचन भी करने लगता है। ताम्र भस्म की वजह से यकृत जो है वह अपना पित्त जो है वो डियोडिनम में सिक्रेट करने लगेगा और ना पित्त का रेचन थोड़ा थोड़ा होने लगता है, पेशेंट का फिर पेट साफ अच्छे से होने लगता है। दूसरा क्या है कि जो आंत्र है, इंटेस्टाइन है, उनके कार्य अच्छे होने लगते हैं, आहार रस जो है ना वो अच्छा बनने लगेगा, पाचक पित्त अच्छा बनने लगेगा, तो पेशेंट का ना हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से यकृत पित्त का अगर विकृत स्त्राव कम होने की वजह से ना, अगर यकृत से पित्त अच्छे से नहीं निकल पा रहे हैं तो उसकी वजह से कभी कभी अतिसार भी होने लगता है, क्योंकि वो खाना को पचाने की शक्ति नहीं है, अग्नि मान देता है। तो उसमें भी लीला विलास रस को अगर हमने कुटज घन परपट्टी के साथ दे दिया, कुटजा विलेह के साथ दे दिया, तो ये क्या करता है, लीला विलास रस पित्त का सिक्रीशन अच्छे से करने लगता है। यकृत का कार्य अच्छा करेगा तो अपने आप अतिसार में भी, जो क्रॉनिक ये रहता है, डायरिया रहता है, उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से पांडु रोग में, अगर हमने पांडु रोग में हमने देखा कि रक्त व स्रोतस का मूल स्थान क्या है, तो यकृत और प्लीहा है, तो यकृत को कार्य अच्छा करना है, प्लीहा का कार्य अच्छा करना है, इसलिए लीला विलास रस का योजना किया। तो उससे क्या होगा कि पांडुता कम हो जाएगी, रस और रक्त अच्छा क्वालिटी का बनेगा, रस और रक्त अच्छा क्वालिटी का बनेगा, यकृत का कार्य अच्छा होगा क्योंकि हमने स्रोतस को अच्छा कर दिया है, वहाँ पे पित्त का सिक्रीशन जो हो रहा था वह हमने बैलेंस कर दिया। तो उससे क्या होगा कि पांडुता ठीक हो जाएगी,
खून की कमी अच्छे होने से अपने आप रक्त अच्छा बनने लगेगा। इसी तरह से जो लोग ना बहुत ज़्यादा मांसाहार करते हैं, मतलब नॉनवेज खाते हैं, तो उनको ना क्या होता है कि ताम्रकल्प का जो मेडिसिन है, जैसे आरोग्यवर्धनी है या लीला विलास रस है, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी पड़ता है। क्योंकि ना जो लोग नॉनवेज खाते हैं और उतना फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, या मतलब उनका धातुओं का क्षय भी नहीं हो रहा है, वो लोग ना संतर्पण जन्य ऐसे अवस्था में जा रहे हैं, तो उनको ना पेट की शिकायत हमेशा रहती है। नॉनवेज खाने वाले जो धातुओं का क्षय भी नहीं हो रहा है, मतलब नॉर्मल उनको जब मैथुन करके शुक्र निकालना है वो भी नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ना सारा पेट क्या होता है कि पचन क्रिया अच्छी नहीं हो रही है धातुओं का क्षय न होने की वजह से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मैं जो ये बात बोल रहा हूँ ना, ये फिजियोलॉजिकली बता रहा हूँ। उसमें ना ताम्र भस्म के कल्प हैं, जैसे कि आरोग्य वर्धनी है या लीला विलास रस, उसका बहुत अच्छा फायदा होता है। यह जो लीला विलास रस है ना, इसमें ताम्र जो रहता है वो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण रहता है, उष्ण रहता है और पित्त का स्त्राव करता है, तो इसीलिए ना यह जो है नपुंसकत्व का भी नाश करता है रक्त धातु को अच्छा करने की वजह से, तो इसलिए इसका प्रयोग बहुत अच्छा होता है। और दूसरा मैं और बताता हूँ, आप लोग रुकिए, क्योंकि हमारे सर ने ये सब चीज़ बताया है। लीहा वृद्धि में भी लीला विलास रस का प्रयोग रोहितक घृत के साथ करने से बहुत अच्छा फायदा हुआ है। उदर रोगों में लीला विलास रस का प्रयोग अगर हमने ना गोमूत्र हरितके के साथ किया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। प्रमेह रोग में प्रमेहांतक वटी के साथ किया, या प्रमेह के जो काढ़ा बताए हैं चरक संहिता में, उसके साथ लीला विलास रस का प्रयोग किया तो यह प्रमेह की संप्राप्ति को भंग कर देता है। क्योंकि प्रमेह में आविल मूत्रता, बहुमूत्रता ऐसे कंडीशन रहती है, गंदा गंदा यूरिन आने लगता है और धातुअग्नि मंद हुई रहती है। लीला विलास रस से क्या होता है, दीपन पाचन होने लगता है, यकृत का कार्य अच्छा होने लगता है, तो प्रमेह की संप्राप्ति को भंग करने में लीला विलास रस का बहुत ज़्यादा उपयोग रहता है। उसमें प्रमेह में हम लोग चंद्रप्रभा वटी और लीला विलास रस दे सकते हैं, या फिर हम लोग जो एक दवाई है गुड़मार हो गया, बेलपत्र हो गया, बेल का छाल हो गया, नीम की छाल, नीम का पत्ते का चूर्ण हो गया, फिर करेले का चूर्ण हो गया, जामुन का हो गया, यह सब जो द्रव्य है ना, गुड़ूची हो गया, पुनर्नवा हो गया, पटोल हो गया, इंद्र हो गया, कुटकी हो गया, यह जो तिक्त रसात्मक द्रव्य, इनके साथ में अगर लीला विलास रस के साथ दिया जाए तो यकृत का कार्य भी अच्छा होगा, प्रमेह का जो संप्राप्ति है वह भी भंग हो जाएगा। उसी तरह से अजीर्णावस्था में भी लीला विलास रस का प्रयोग कर दिया ना, सुबह शाम खाने को दिया तो अजीर्ण भी ठीक हो जाता है। विदग्धाजीर्ण खासकर उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि पाचक पित्त का स्त्राव बहुत अच्छे से हो रहा है। फिर सन्निपात की अवस्था है, फिर कफोदर है, प्लीहोदर है, यकृत विकार है, परिणाम शूल है, मतलब खाना खाने के बाद जो पेट में दर्द हो रहा है किसी ना किसी अल्सरेशन की वजह से, वह भी इससे ठीक हो जाता है। हिचकी आ रही है, अफरा हो रहा है, अतिसार हो रहा है, संग्रहणी हो रहा है, पांडु रोग हो रहा है, या फिर मांसार्बुद है, अर्बुद की संप्राप्ति को भी भंग करने में ताम्र जो है वो लेखन कार्य करता है, और लीला विलास रस का प्रयोग किया ना तो ये स्त्राव अच्छा कर देगा और ताम्र भस्म जो है वो लेखन कार्य करेगा। इसलिए मांसार्बुद में इसको अलग अलग कंडीशन में यूज करने से फायदा होता है। फिर कुष्ठ रोग में काम करता है, कृमि में काम करता है, फिर अम्ल पित्त में काम करता है, प्लेग में अच्छा काम करता है, इसमें बहुत अच्छे ऐसा कार्य पचन क्रिया को अच्छा करता है, तो बहुत सारे ना व्याधियां अपने आप ठीक होने लगती हैं। यह बहुत ही अत्यंत शक्तिवर्धक है। शक्तिवर्धक किसको, तो यकृत के लिए शक्तिवर्धक है, ग्रहणी कला के लिए शक्तिवर्धक है, तो और आमाशय अधो आमाशय के लिए शक्तिवर्धक है, इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। और रुचि कारक है, लीला विलास रस का प्रयोग करेंगे ना तो रुचि आने लगती है। फिर कामोद्दीपक है, सेक्सुअल इच्छा अच्छा होने लगती है, क्योंकि अच्छे से रक्त बनने का, अच्छा सा ब्लड सर्कुलेशन होगा तो काम की इच्छा बढ़ जाती है। उसी तरह से यकृत की विकृति में जो भी पित्त का निर्माण हो रहा है तो वह ना अच्छे से होना चाहिए। अगर पित्त का निर्माण अच्छे से नहीं हो रहा है तो कभी कभी गॉल ब्लैडर स्टोन जैसी कंडीशन आ जाती है, तो उसमें ना, और कभी कभी यकृत में भी पैथोलॉजी हो जाती है कि उसमें लीवर का इन्फ्लेमेशन हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, या कांबला रोग हो गया, ऐसे बहुत सारे कंडीशन होते हैं, तो उसमें भी लीला विलास रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा हो जाता है। और इसका ना पित्त विकृति जन्य जो शूल है, मतलब पित्त विकृत रूप से जब बन रहा है, मतलब उष्णता तीक्ष्णता और द्रवता से, तो उसमें पेट दर्द हो रहा है, उदर शूल हो रहा है, उसमें भी इसका प्रयोग बहुत अच्छा होता है। इसका यकृत और पित्ताशय पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, मतलब गॉल ब्लैडर पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, पैंक्रियास पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, और फिर ना यकृत पे बहुत अच्छा होता है, प्लीहा पे बहुत अच्छा होता है, पूरा पाचन संस्थान है ना उसको ये बैलेंस करता है, इसीलिए ना इसका प्रयोग करना चाहिए। जब हिपैटोमेगैली हो जाती है तो और पित्ताशय संकुचित हो जाता है, मतलब जो गॉल ब्लैडर है ना वो संकुचित कोलैप्स होने लगता है, और जो ये है लीवर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है,
तो उसमें पित्ताशय से ना गाढ़ा गाढ़ा पित्त निकलने लगता है। गॉल ब्लैडर जो है ना, जो यकृत है वह पित्त है गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ है, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा निकलने लगेगा। तो उसकी वजह से कभी स्त्राव होता है, कभी नहीं स्त्राव होता है, और पित्ताशय में कभी विकृति आ गई, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया, तो ऐसे किसी वजह से पेट में दर्द होने लगता है और सीवियर पेन होने लगता है। तो लीला विलास रस का प्रयोग अगर हमने ताम्र भस्म के साथ कर दिया और आरोग्य वर्धिनी के साथ कर दिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप लोग मानेंगे नहीं, मैंने ऐसे पेशेंट को ठीक किया है। उसी तरह से सुचेकर रस के साथ अगर लीला विलास रस को कर दिया तो साम पित्त को भी वह पाचन करेगा। सुचेकर साम पित्त को पाचन करेगा। और मेन इसका कार्य क्या है, सुचेकर और इसका मेन डिफरेंस क्या है, तो यह स्त्राव को अच्छा करता है। स्त्राव को अच्छा करने के बाद फिर दीपन पाचन आम का पाचन करता है। सुचेकर रस डायरेक्ट यकृत पे कार्य नहीं कर रहा है, वो पित्त की सामता को पचा रहा है। तो इसीलिए ना दोनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। आरोग्य वर्धिनी वटी जो है वह क्या करती है कि वह, क्योंकि उसमें भी ताम्र भस्म है, कुटकी है, तो वह लीवर पे काम कर रहा है। लेकिन हम हर पेशेंट को आरोग्य वर्धिनी ना दें, आरोग्य वर्धिनी से रुक्षता बढ़ती है क्योंकि उसमें नीम की भावना ज्यादा है, तो हमें ना रिप्लेस करना पड़ता है। 42 डेज देने के बाद हमें बंद करना पड़ता है आरोग्य वर्धिनी, क्योंकि कुटकी है, नीम की भावना है, तो उसका ना लेखन कार्य होने लगता है और रुक्षता बढ़ने लगती है। यह कार्य लीला विलास से नहीं है। तो जब हमें आरोग्य वर्धिनी को रिप्लेस करना है तो लीला विलास रस का प्रयोग करिए। और दूसरा क्या है कि हाइपर एसिडिटी है, बहुत ज़्यादा खट्टा खट्टा, बहुत बर्निंग सेंसेशन है, तब ना हम लोग सुचेकर के बदले लीला विलास रस का प्रयोग करते हैं, या प्रवाल पंचामृत अगर नहीं। अब प्रवाल पंचामृत का कार्य क्या है कि वह दीपन पाचन करता है और पित्त पे काम करता है, यकृत पे उसका कार्य नहीं है प्रवाल पंचामृत का। इसीलिए ना हर मेडिसिन का कार्य क्षेत्र अलग है, मतलब बॉडी को ठीक करने का स्टाइल अलग अलग है। इसमें लीला विलास रस है वो खासकर अम्ल पित्त की और यकृत को उत्तेजना देके यकृत का कार्य को प्राकृत करने वाली दवाई है। आरोग्य वर्धिनी देखेंगे तो वह क्या करती है, वह मेन कुष्ठ रोगाधिकार की है दवाई। उसमें सार किट विभजन अच्छा कर देती है, टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करती है, पित्त का रेचन अच्छा करती है, क्लेद को दूर करती है। तो आरोग्य वर्धिनी का कार्य व्यापक है, बहुत ज़्यादा है, हर समय बहुत ज़्यादा काम करने वाली, और 42 डेज के बाद रुक्षता उत्पन्न करने वाली दवाई नहीं दे सकते हम लोग। हमें वो रिप्लेस करके दूसरा दवाई देना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे पास इतने सारे एयर फाइटर प्लेन्स हैं तो हम लोग हर जगह में मिराज को नहीं उतार सकते हैं, हर जगह सुखोई को नहीं कर सकते हैं, हर जगह तेजस जहाज को नहीं कर सकते हैं, हर जगह हम राफेल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें कंडीशन के हिसाब से राफेल का कभी यूज़ करना है, कभी हमें सुखोई का करना है, कभी MiG-29 का करना है, कभी हमें तेजस विमान का करना है, कभी हेलीकॉप्टर का यूज़ करना है। इसी तरह से मेडिसिन भी जो रहती है ना, उसके कंटेंट मैं आप लोगों को ना फाइटर प्लेन्स का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप लोगों को समझ है कि सभी दवाइयाँ एक जैसी नहीं है, सबका कार्य अलग होता है, सबका काम अलग होता है। तो ना हर कंडीशन में पेशेंट एक जैसे नहीं आते हैं। हम अभी 10 पेशेंट आप लोग देखेंगे हाइपर एसिडिटी के, तो उसमें किसी को आधमान रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, किसी को बहुत ज़्यादा खट्टा ढकार आ रहा है, किसी को ना बवासीर का तकलीफ है, किसी को रक्त पित्त भी है, किसी को मेंसेस का प्रॉब्लम भी है। पेशेंट भी वैरायटी के आते हैं, अलग अलग आते हैं। तो हर पेशेंट को आप आरोग्यवर्धिनी, हर पेशेंट को सुचेकर, हर पेशेंट को प्रवाल पंचामृत, फिर आपका ना एक बाउंड्री बन जाएगा कि यही दवाई से ही फॉर्मूला देना है हर पेशेंट को। और फिर कुछ कोई क्वेश्चन पूछेगा या कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है, हमारे पास फिर ऑप्शन नहीं रहते हैं। हमको ना ऑप्शन को बढ़ाना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ मेडिसिन रखना है हमारे क्लिनिक में, ताकि ना हम लोग अलग अलग अवस्था में चिकित्सा में सफलता प्राप्त करें। इसके लिए अभ्यास भी करना है, समझना भी है। इसी तरह से मैं बता रहा हूँ कि पित्ताशय में पथरी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि त्रिविक्रम रस देते हैं, सुरशेखर रस, ताम्र भस्म देते हैं, लेखन करने वाले द्रव्य देते हैं। तो क्यों ना लीला विलास रस के साथ दे दिया जाए, तो वह क्या करेगा कि ताम्र भस्म के साथ अगर लीला विलास रस दे रहे हैं तो उसके कार्य को और अच्छा कर देगा, क्योंकि ना यकृत का कार्य अच्छा हो रहा है, यकृत का कार्य अच्छा हो रहा है और ताम्र लेखन कर रहे हैं, तो ये और अच्छा पावरफुल बन के अच्छा काम करने लगेगा। इसी तरह से ताम्र भस्म जो है ना, वह क्या करता है कि हैजा की बीमारी में काम कर रहा है, यकृत को कार्य अच्छा कर रहा है। तो हम लोग ना अगर स्वर्णमाक्षिक के साथ लीला विलास रस को दे दें तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा रक्त दुष्टि हुई है, रक्त धातु अच्छा नहीं बन रहा है, RBCs अच्छे नहीं बन रहे। तो स्वर्णमाक्षिक भस्म जो है ना, वह क्या करेगा कि रक्त धातु को अच्छा करेगा, मतलब यकृत का कार्य भी अच्छा होना चाहिए, रक्त धातु का भी कार्य अच्छा होना चाहिए। जब धातु का कार्य करना है तो स्वर्णमाक्षिक के साथ दीजिए। ऐसे पेशेंट आते हैं कि हमें यकृत को भी ठीक करना है, अम्लपित्त को भी ठीक करना है, रक्त धातु पर भी काम करना है, तब वहाँ करना है। आरोग्य वर्धिनी के साथ जब देंगे तो कुष्ठ की तरफ वो ज़्यादा जाता है,
सार किट विभाजन करता है, धातु अग्नि को ठीक करता है, बद्ध कोष्ठता है उसको ठीक करता है। तो हमें आरोग्यवर्धन के साथ यह अम्लपित्त की दवाई को ऐसे करके योजना करके साथ में दे सकते हैं उसी तरह से। और बहुत मजा आता है, हम जितना पेशेंट के साथ पूरा संप्राप्ति बनाते हैं, हेतु बनाते हैं संप्राप्त। आप लोग मेरे क्लिनिक में कभी आइए और जो मेरे पेशेंट आते हैं तो मैं आप लोग को बताऊंगा, बहुत मजा आता है। पेशेंट का संप्राप्ति बनाना है और ये दवाई सेलेक्ट करके ये देना है, ये दवाई लेके सेलेक्ट करके ये देना है, वो कॉम्बिनेशन में जब देते हैं ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो और ना लीला विलास रस बहुत दिव्य है, मतलब मैं तो इसका प्रयोग बहुत करता हूँ, किलो किलो में खर्च होता है और अलग अलग मेडिसिन के साथ में देता हूँ। कभी कभी किडनी स्टोन के पेशेंट आते हैं और उनका यकृत का कार्य अच्छा नहीं हो रहा होता है, तो वो किडनी स्टोन में यकृत को उत्तेजना देने के लिए लीला विलास रस दे दिया, हाइपर एसिडिटी के लिए ये दे दिया और साथ में मूत्रल दवाइयाँ दे दी। अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग ये दवाई देने से बहुत मजा आता है और रिजल्ट भी आता है, मजा मतलब रिजल्ट आता है। तो ना पेशेंट हमको बोलते हैं कि हमें आपकी दवाई से फायदा हुआ, फिर वो 10 पेशेंट को और लेके आते हैं, इसीलिए फिर ना बहुत अच्छा लगता है कि हमने मेहनत किया हमें फायदा हुआ। इसी तरह से अगर आमातिसार है, मतलब आम के साथ अतिसार हो रहा है, तो लीला विलास रस को बेल का जो गिरी रहता है उसके साथ दे दीजिए, बिल्वावले के साथ दे दीजिए, कुटजार इष्ट के साथ, कुटज घन पर्पटी के साथ दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर ना ग्रहणी कला अगर दूषित है, ग्रहणी कला है दूषित है, संग्रहणी हुआ है, तो उसमें हमें लीला विलास रस को लेना है और पंचामृत पर्पटी के साथ देना है। अगर ना HB कम है तो लौह पर्पटी के साथ देना है। अगर हमें विषाणुओं को नष्ट करना है और संग्रहणीय IBS का कंडीशन है तो लीला विलास रस को स्वर्ण पर्पटी के साथ करिए। अगर हमें सभी धातुओं को अच्छा करना है तो रस पर्पटी के साथ करिए, मतलब और तक्र के साथ सेवन करिए। तो इससे क्या होगा कि वह ग्रहणी कला भी अच्छा होगा, यकृत का कार्य भी अच्छा होगा, अम्ल पित्त भी अच्छा होगा। तो अलग अलग मेडिसिन के साथ, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ, अलग अलग अनुपान के साथ इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर कुष्ठ रोग है और अम्ल पित्त की तकलीफ है, तो कुष्ठ रोग अम्ल पित्त है तो लीला विलास रस को बाकुची चूर्ण के साथ या कुष्टग्न गण के क्वाथ के साथ या वर्ण गण के साथ या उदर्द प्रशमन गण, ये सारे जो उदर्द प्रशमन गण, फिर उसके बाद में कंडुग्न गण, वर्ण गण, कुष्टग्न गण, ये सब रक्त धातु पे काम करते हैं और इनका अलग अलग ग्रेड रहता है। कुष्टग्न गण जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पावरफुल है, जो स्किन के प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। उससे कम देखेंगे तो उदर्द प्रशमन गण, उससे कम देखेंगे तो कंडुग्न गण, उससे और कलर को भी अच्छा करना है और कुष्ठ को भी ठीक करना है तो वर्ण गण होता है। हमारे सर बताते हैं कि जब ना कोई भी व्याधि होती है, जैसे ग्रहणी कला विकृत हो रही है, संग्रहणी हो रहा है, अतिसार हो रहा है, तो जिस तरह से हमारा चेहरे का रंग बदलता है, जब शुक्र का क्षय हो गया या धूप में ज्यादा आके आए तो चेहरा काला पड़ जाता है, निस्तेज हो जाता है, चेहरे का कलर बदलता है। पांडु रोग हो गया तो चेहरे का रंग बदलता है, या कोई व्याधि हो गया तो शरीर काला पड़ जाता है, या अच्छा खाया पिया, दूध पिया तो शरीर में ओझ बढ़ता है। उसी तरह से जो कलर चेंजेस हो रहे हैं, इसी तरह से जो ग्रहणी जो रहती है उसके भी कलर चेंज होने लगते हैं। ये सर ने हमें कॉन्सेप्ट बताया, तो उसमें ग्रहणी कला के भी कलर चेंज होने लगते हैं अंदर ही अंदर, फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के कलर भी चेंज होने लगते हैं, उसमें विकृति आती है तो वो खराब होने लगता है, काले रंग का होने लगता है। तो उसको भी कलर लाना है, उसका कलर अच्छा होगा तो वो कार्य अच्छा कर रहा है, इसलिए वर्णगण का प्रयोग अवयव का कलर अच्छा करने के लिए करते हैं, मतलब उनका कार्य अच्छा होगा, इसलिए ना लीला विलास रस को वर्णगण के साथ देना है। कभी कभी अंदर ही अंदर ना कुष्ठ रोग होता है, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, फिर क्रॉनिक अमीबियासिस हो गया, क्रॉनिक कॉलरा हो गया, उसमें क्या होता है ना कि कोई इन्फेक्शन की वजह से बार बार लूज मोशन लूज मोशन लूज मोशन हो रहा है और वहाँ पे कुष्ठ रोग जैसी संप्राप्ति हो रही है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का आप लोग ना जो सर्जरी का बुक है, दास का या लव एंड बेली का है, उसमें आप लोग या नेट पे देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस में इंटेस्टाइन किस तरह से बन जाता है, तो वह एक तरह का कुष्ठ है इंटेस्टाइन का, तो उसमें कुष्ठग्न गण की दवाइयाँ देनी है और यकृत का कार्य अच्छा करना है, अम्ल पित्त भी ठीक करना है, तो हम क्यों ना लीला विलास रस और कुष्ठग्न गण की दवाइयाँ अल्सरेटिव कोलाइटिस में दें, क्रॉन्स डिजीज में करें, क्यों ना करें, बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि pH को बैलेंस कर रहा है, यकृत का कार्य अच्छा कर रहा है, हाइपर एसिडिटी को ठीक कर रहा है, क्यों नहीं करें, क्यों करने से तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से
प्रमेह जब रहता है, प्रमेह में यकृत का कार्य अच्छा नहीं हो रहा है। यकृत ही हमारा अग्नि को नियमित करता है, मतलब पाचक पित्त का स्राव करता है, जठराग्नि को अच्छा करता है, मतलब पित्त के साहचर्य में तेज अग्नि रहता है। तो पाचक पित्त का स्राव नहीं हो रहा है, धातु अग्नि मंद हो रही है, प्रमेह की संप्राप्ति हो रही है, अग्नि मंद हो रहा है, आम की उत्पत्ति हो रही है। तो हमें प्रमेह की भी संप्राप्ति, व्याधि प्रतिनिक भी चिकित्सा देना है, दोष दुष्य संमूर्छना को भी ठीक करना है, उसी तरह से यकृत का कार्य भी अच्छा करना है। तो हम क्यों ना इसका प्रयोग करें कि हम लोग हर समय आरोग्य वर्धनी पे ही क्यों डिपेंडेंट रहे या सुशेखर पर ही क्यों रहे, उनका कार्य अलग है। हम लोग को इसका भी प्रयोग करना चाहिए, लीला विलास रस का। लीला विलास रस हाइपर एसिडिटी को भी बैलेंस कर देगा, यकृत का कार्य अच्छा करेगा, और प्रमेहाग्नि जो दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग करेंगे तो दोनों कार्य अच्छे से होगा। इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से अर्श व्याधि है, बवासीर की तकलीफ है, तो हम हर समय ये क्यों दवाई दे कि लवण भास्कर चूर्ण ही देना है, अजमोदादि चूर्ण, अग्नितुंडी वटी, अग्निकुमार रस, लशुन आदि वटी, यह सब पे ही क्यों डिपेंडेंट रहना है। हमें ना अम्ल पित्त जैसे कंडीशन भी आ रही है, और अर्श व्याधि है, पित्त अर्श है, स्त्रावी अर्श है, तो उसमें हम क्यों ना जो स्त्रावी अर्श की चिकित्सा है, जैसे नागकेशर चूर्ण है, फिर कुटज है, इस कुटज कल्प है, अर्श कल्प है, वह सब के भल्लाता को नहीं देने, मतलब वहाँ पे स्तंभन करने वाले नागकेशर चूर्ण, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टि के वह योजना करना है। तो क्यों ना हम उनके साथ में लीला विलास रस दें, तो अम्ल पित्त की कंडीशन भी ठीक होगी और अर्श का भी जो संप्राप्ति है वह ठीक होगा। ऐसे अलग अलग व्याधि और अम्ल पित्त और यकृत की दुष्टि, इसमें हमें मेडिसिन देना है, चूज करना है, तो ये दवाइयाँ दीजिए। पेशेंट को ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन में देंगे ना, पेशेंट खुश हो जाते हैं, वो बोलते हैं आपने क्या दवाई दिया, रामबाण दवाई दिया। और अगर सपोज हम लोग चिकित्सा कर रहे हैं और अगर हमको सफलता नहीं मिल रही है, कुछ तो मिलेगी, 100 में से 1% तो फायदा होगा, 100 लक्षण है उसमें 1% तो पेशेंट को रिलैक्स मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, अगर हमारी चिकित्सा अच्छी है और पेशेंट परहेज भी पाल रहे हैं, कोई बात नहीं। हम लोग ऐसे गलतियां करके भी आगे बढ़ना है। अगर नहीं, आपने लीला विलास रस का यूज़ नहीं किया है, नए नए प्रैक्टिशनर लोग हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग करिए। अपने पेशेंट को सेफेस्ट दवाई, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, पेशेंट को दीजिए, आंवला के रस के साथ दीजिए, कुष्मांडावले के साथ दीजिए, गुलकंद मिलता है बाबा रामदेव का, उनके साथ गुलकंद के साथ दे दीजिए, या फिर ऐसे बहुत सारे जो पित्त, अनार के जूस के साथ दे दीजिए लीला विलास रस का। हाइपर एसिडिटी के पेशेंट इतने खुश हो जाते हैं ना कि अनार का रस भी पीने को मिल रहा है उनको, टेस्टी टेस्टी, रक्त धातु भी अच्छी हो रही है और एसिडिटी भी ठीक हो रही है, और वो भी जड़ से एसिडिटी ठीक हो रही है। 3 से 6 महीना देना है लीला विलास रस, दो दो रत्ती की गोलियां रहती है, मतलब 250 mg की गोलियां रहती है, बहुत अच्छा फायदा होता है, पेशेंट खुश हो जाते हैं कि हम लोग इतना दिन से एंटासिड खा रहे थे, फिर उसके बाद में पेंटाप्रेजोल, फिर रैनिटिडिन, प्रोटोन पम्प इनिबेटर ड्रग्स ले रहे थे, लेकिन हमको किसी एलोपैथी डॉक्टर ने नहीं बोला कि आपका हाइपर एसिडिटी ठीक हो जाएगा, और वो भी लाइफ लॉन्ग ठीक हो जाएगा। लेकिन ना लीला विलास रस का प्रयोग कर दिया पेशेंट को, आंवले के रस के साथ 3 महीना दे दिया, तो उसके बाद में यकृत का कार्य अच्छा होने लगा। यकृत को थोड़ी ना जरूरत है कि हर समय हम दवाई 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 दे, एलोपैथी साइंस थोड़ा है कि, तो थोड़े दिन देके और फिर 3 महीना में पेशेंट का यकृत अच्छा होने लगा, पाचन क्रिया अच्छी होने लगी, पेशेंट ने मित्र आहार विहार करना छोड़ दिया, पेशेंट ठीक हो जाता है। फिर पेशेंट ने कृत, ये आपका जो उपकार है उसको, उसको आपने जो दर्द से तकलीफ से निकाला, वह शायद मुंह से ना बोल पाए लेकिन अंदर से बोलता है कि हाँ मुझे ये डॉक्टर ने जड़ से ठीक किया। पेशेंट क्या होते हैं ना, कुछ कुछ पेशेंट ना दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, आप कितना भी अच्छा दवाई दीजिए, अमृत भी ला के दीजिए, लेकिन वो दोष निकालेंगे कि हमको फायदा नहीं हुआ। ठीक भी हो जाएंगे, सब कुछ खाएंगे पिएंगे, वड़ा पाव खाएंगे, मतलब यहाँ पे पानी पूरी खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कि फायदा हुआ क्या, बोलते हैं नहीं फायदा नहीं हुआ, दवाई तो चल रही है डॉक्टर की, आयुर्वेद का दवाई चल रहा है, फायदा नहीं हुआ। फिर अगर फायदा नहीं हुआ तो आप खा कैसे रहे हैं, आपका पाचन क्रिया कैसे अच्छा हो गया, आपको बीमारी कैसे हो गया, क्यों नहीं है बीमारी कि आप गोलगप्पे रोज भी खा रहे हैं तब आपको तकलीफ नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है ना कि वो पेशेंट की मेंटेलिटी रहती है, अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम रहता है बहुत सारे लोगों को, कि मुझे अटेंशन दो, मैं बीमार हूँ, मैं दवाई खा रहा हूँ, मुझे देखो, मुझे केयर करो। हमें ना पेशेंट फॉल्स सिम्टम बता रहे हैं तो हमें नहीं घबराना है, फॉल्स सिम्टम बताएं, अपनी नाड़ी परीक्षा है ना, और जब पेशेंट फॉलोअप को आ रहा है तो उसको ना घुमा के पूछिए, अगर फॉल्स सिम्टम बोल रहे हैं ना तो घुमा के पूछिए कि सुबह कितने बजे उठते हैं, कितना बजे कितना क्या खाते हैं, कितनी चपाती खाते हैं, पहले कितना खाते थे, ऐसे घुमा फिरा के पूछेंगे ना, आप अपने देखिए कि आपकी दवाई का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
पेशेंट ना बोलते हैं हाँ मैं खाना खा रहा हूँ, मैं आधी रोटी खाता था अभी दो रोटी खाने लगा, लेकिन फायदा ही नहीं हुआ। फिर मैं दो बार खा लेता हूँ दिन में, सुबह खा लिया फिर 12-1 बजे खा लिया, लेकिन फायदा ही नहीं हुआ। ऐसे निगेटिव शब्द में बोलता है, फॉल्स सिम्टम बताता है, आपकी दवाई काम नहीं कर रही है। तो ऐसा वो सामने वाले को ऐसा दिखाता है, डॉक्टर्स को डीमोरलाइज करता है कि आपने दवाई दिया ना वो अच्छा नहीं है, आप ना और अच्छा दवाई दीजिए, क्योंकि हम पे कर रहे हैं आपको, हम पैसा दे रहे हैं तो आप हमें और अच्छी दवाई। ये प्रैक्टिकल बातें रहती है, उनका सुनने का ही नहीं, उनको बोलने का ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको जो दवाइयाँ देते हैं हम उससे और अच्छी दवाइयाँ देते हैं, उसके बाद में बोलने का हम और अच्छी दवाइयाँ देते हैं, उसके बाद बोलने का हम और अच्छी दवाइयाँ देते हैं, और आपकी बात सही है। ऐसा उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, उससे लड़ाई नहीं करना है, उसको कभी भी ऐसे नहीं बोलना है कि नहीं नहीं आप तो झूठ बोल रहे हैं या आप ऐसे क्यों ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए कि अरे हमें तो, हमने तो ये ध्यान ही नहीं दिया कि आपका ये तकलीफ भी है, हम इसमें ये दवाइयाँ देते हैं, और इसका नाम है लीला विलास रस। लीला विलास मतलब जिस प्रकार से कृष्ण भगवान की लीला थी, और उसी तरह से हम लीला विलास रस दे रहे हैं, ऐसा बोल के ना दवाई को चेंज करिए, ताकि पेशेंट हमारे पास आते जाए। एक बार पेशेंट झूठ बोलेगा, 10 बार झूठ बोलेगा, बाद में तो कभी ना कभी तो हमें सफलता मिलेगी। इसलिए ना हमें ना हर समय जीतना है, हमें कभी मैदान छोड़ के नहीं भागना है। पेशेंट ठीक होता है, अल्सरेशन का भी पेशेंट आता है ना, पेप्टिक अल्सर, ड्यूओडेनल अल्सर, तो ना इसको क्या करना है कि वर्णगन के साथ कभी दे दीजिए, कभी ये दाढ़ी मादी घृत के साथ दे दीजिए लीला विलास रस, या कभी आप अलग अलग दवाइयों के साथ योजना करके दीजिए। पेशेंट ना जरूर आपको बोलेगा कि हाँ हमें कुछ 19-20 ऐसा फर्क दिख रहा है, क्योंकि हमारी दवाई अच्छी है, हमने उसका संप्राप्ति के हिसाब से दवाई दी है, ब्लाइंडली नहीं देना। अब क्या है कि लोग क्या करते हैं, पेप्टिक अल्सर है और ये ब्लीडिंग पाइल्स है, उसमें भूख नहीं लग रही है ना, तो आँख बंद करके चित्रकादी वटी लिख देते हैं, चित्रक से फिर साइड इफेक्ट नहीं होगा क्या? कभी किसी को क्या होता है कि मेंसेस नहीं आए, तो कंटिन्यू 2-2 साल तक ना रज प्रवर्तनी वटी देते हैं, वह दवाई खाने के बाद भी मेंसेस नहीं आ रहे तब भी रज प्रवर्तनी वटी लिख रहे हैं, ये क्या मतलब है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना क्षार देंगे आप, रज प्रवर्तनी वटी क्षारीय द्रव्य है, जितना आप क्षार देंगे ना पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन और बढ़ते जाते हैं, वजाइना में ड्राइनेस आने लगता है, और क्षार का सेवन करने से और मतलब वहाँ विकृति आ जाती है, और क्योंकि इसमें बताया है, चरक विमान स्थान में बताया है, अति क्षार का सेवन, अति पिप्पली का सेवन, अति लवण का सेवन, वर्ज्य बताया है, उससे तकलीफ होती है, और आप रज प्रवर्तनी वटी के रूप में इतना सारा क्षार दे रहे हैं, या चित्रकादी वटी में क्षार है, सज्जी क्षार, यवक क्षार, ये सारे क्षार आप दे रहे हैं, क्षार का सेवन मतलब मेडिसिन का ही साइड इफेक्ट होता है बॉडी में। इसलिए ऐसा ब्लाइंडली मत दवाई दीजिए, पेशेंट के हिसाब से देखिए कि क्या योग्य है, कौन सी दवाई देना है, पेशेंट की प्रकृति देखिए, पेशेंट का हिस्ट्री देखिए। एक बार में अगर केस टेकिंग नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप पहले दीपन पाचन दे दीजिए, जो सिम्टोमेटिकली रिलीफ देना है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते वह दवाई दीजिए, और उसके बाद में चेंज करते जाइए दवाई, और थोड़ा थोड़ा केस टेकिंग में। अब कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोगों ने ऐसा देखा है कि पेशेंट पहले ओपन नहीं होता डॉक्टर के पास, मतलब वो पहले आएगा ना तो अपने आप को बोलेगा मैं तो सब परहेज पाल रहा हूँ, मैं तो 10 साल से परहेज ही पाल रहा हूँ, मैं तो बाहर का कुछ नहीं खा रहा, ओपन नहीं होता वो पेशेंट। ऐसा फिर घबराना नहीं चाहिए, जो पेशेंट बोल रहे हैं ना उसको हमें क्या है ना, बिजनेस करना है, हमें प्रैक्टिस करना है। पेशेंट आते रहे, सिम्टोमेटिकली थोड़ा ट्रीटमेंट दीजिए, कुछ हेतु बताएगा, हेतु को वर्ज्य कराइए, उसके बाद में दूसरी बार वो और ओपन होगा, वो और अच्छे से बताएगा, तीसरी बार और ओपन होगा वो बताएगा। तो उपशय अनुपशय से भी चिकित्सा करते जाइए, और जितना वो ओपन होकर अपना प्रॉब्लम बताते जाएगा, अपना हेतु बताते जाएगा, शेयर करेगा, उस हिसाब से चिकित्सा को मॉडिफाई करते जाइए। अगर ऐसा करेंगे तभी आप लोग सक्सेसफुल होंगे। क्या है कि इतने सारे लोग BMS होते हैं, इतने सारे लोग MD होते हैं, सबका प्रैक्टिस नहीं चलता है, ये बात फैक्ट है, सबका प्रैक्टिस नहीं चलता है। कोई चार फॉर्मूला अपने गुरु जी का ले लिया और चार फॉर्मूला से जिंदगी भर सोचता है कि मैं ऐश की जिंदगी काटूंगा, ऐसा नहीं होता है। सबका वही सक्सेसफुल होता है जो एनालिसिस करके अच्छी दवाई देता है और मीठा जबान से पेशेंट को अट्रैक्ट करता है। कोई भी है ना इस दुनिया में, उसको ना स्तुति प्रिय है, देवानाम अपि स्तुति प्रिय है, ऐसा बोलते हैं, मतलब भगवान जो लोग हैं ना उनको भी बोलते हैं हे माता, देवी माता, ऐसे जो बोला है ना, तम स्वाहा, तम सदा, तम ही वष्टकारा सुरात्मिका, तम, मतलब देवी के बारे में ऐसे बोला है कि आप ही जो हम हवन करते हैं उसका सारा शक्ति आप ही हैं देवी माता। विष्णु भगवान को भी हम बोलते हैं कि हे भगवान आप ही संसार को बनाते हैं। महादेव जी को बोलते हैं कि आपके अलावा कोई नहीं है। इसी तरह से मनुष्य की भी प्रवृत्ति है, वह ना स्तुति चाहता है, स्तुति प्रिय रहते हैं, सबको ना प्रेस अप्रिसिएशन चाहिए होता है। पेशेंट को भी अपना अप्रिशिएट करिए कि अच्छा आपने इतना अच्छा ये किया। कभी पेशेंट को दुत्कारिए मत,
लेकिन शटम शट्यम समाच रहती है, ये भी याद रखिए। अपने पास अस्त्र शस्त्र भी होना चाहिए। दुष्ट अगर पेशेंट आ रहा है, दुष्टता कर रहा है, तो उसको ना उसी तरह से भाषा में जवाब दीजिए। इतना भी सीधा भी नहीं बनना है कि आपके पास आएगा और बोलेगा कि मुझे ये दवाई दो, वो दवाई दो, फायदा नहीं हुआ, महंगी दवाई दो, ये दो। बेवकूफ नहीं बनना है हमें। लेकिन ना ये व्यवहार होता है कि हर, जैसे गाड़ी हम लोग चला रहे होते हैं, कार हम चला रहे होते हैं ना, तो कभी हम फर्स्ट गियर में डालते हैं, कभी सेकंड गियर में डालते हैं, कभी थर्ड गियर में डालते हैं, कभी फोर्थ गियर में डालते हैं, गाड़ी फिर अच्छे से चलती है। तो हम जो प्रैक्टिशनर है ना, हमें भी हर पेशेंट का जैसा मूड होता है, जो मूड में पेशेंट आ रहे हैं, जो प्रकृति का आ रहा है, मानस प्रकृति, खासकर मानस प्रकृति का आ रहा है, देह प्रकृति का आ रहा है, और जो इरादे से आ रहे हैं, उस हिसाब से गाड़ी को उस गियर में डालने आना चाहिए। अगर आप डालेंगे तभी सक्सेसफुल होंगे। मैं ये जो बात बता रहा हूँ ना, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। जब तक आप पेशेंट को उस गियर में नहीं डालेंगे, तब तक वो गाड़ी चलेगी नहीं। डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप बनाने के लिए वो गियर में डालने आना चाहिए, हर पेशेंट को डालने आना चाहिए। और तभी ना पेशेंट ना आपको ना पैसा देगा, आपका नाम करेगा, सब जगह बोलेगा कि हाँ ये डॉक्टर मेरी बात सुनता है, मेरी बात सुन के मेरे को अच्छी दवाइयाँ देता है, और इतना अच्छा डॉक्टर है। इसीलिए ना मैं जो जो बता रहा हूँ ना, मेडिसिन के बारे में भी जानना जरूरी है, और ना प्रैक्टिकल नॉलेज भी बताना जरूरी है। ये बात हमें, मुझे आदरणीय गुरु जी वैद्य समीर जी मदगनी सर ने बताया कि हर पेशेंट को महंगी दवाइयाँ ही नहीं देनी है, हर पेशेंट को, मतलब उन्होंने ये चीज़ सिखाया है। मैं उनके साथ रहा हूँ ना 12 साल, मैंने ये चीज़ सीखा है। कि एक बार तो क्या हुआ कि जमदग्नि सर के पास ना बहुत सारे गुंडे आ गए। मैं ये बात आप लोगों को, मैं बहुत सीक्रेट सीक्रेट बात बता रहा हूँ, सर ने कितनी कैसे मैनेज किया, मैं तो इतना, मतलब वो सर है, इतने ग्रेट इंसान है ना, मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैं सर के क्लिनिक में था, और उनके स्टूडेंट्स कुछ लोग ही आए थे, बारिश हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी, तो उस टाइम पे ना स्टूडेंट लोग नहीं आ पाए थे, और कुछ लोग ना गुंडे लोग आ गए, जो मतलब पॉलिटिशियन वगैरह थे। और वो आने के बाद ऐसे बोलने लगे, कुठे है तुमचे सर, कहाँ है, मतलब हिंदी में बता रहा हूँ, कहाँ है तुम्हारे सर, क्या दवाई दिया कि पूरा शरीर में फफोले फफोले आ गए, रैशेस बढ़ गए। तो अब इतना टेंशन वाला वातावरण, इतने सारे लोग आ गए, 50-60 लोग आ गए जमदग्नि सर को मारने के लिए आ गए। अब उस समय सर का नया नया, मतलब वो एरिया में नया प्रैक्टिस था, सर का रेंट पे था। तो अभी ऐसे कंडीशन में लोग क्या करेंगे कि आप पैसा वापस ले लो, माफ़ी मांगेंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे। लेकिन सर इतने ग्रेट हैं, ऐसे कंडीशन में भी बोले कि, उन्होंने कहा कि, मुझे बोला कि एक ना माचिस लेके आओ और एक ना मोमबत्ती लेके आओ, और वो लेके आए, और सर ने उनको इतनी ऐसा कन्विंस किया ना, मतलब शास्त्र का ही बात लेके उन्होंने कन्विंस किया। पेशेंट इतने इम्प्रेस हुए ना, वो सारे 50 जो गुंडे आए थे सभी ने सर से दवाई लिया, और सर को पैसा भी दिया। उस दिन मुझे याद है, मैंने अपने आँख से देखा है, मुझे उस टाइम मराठी भी समझ नहीं आती थी, लेकिन सर ने इतना अच्छा कन्विंस किया ना, पेशेंट लोगों ने इतने पैसे दिए, इतने पैसे दिए, सर का पूरा सूटकेस भर गया था पैसों से। तो मुझे तब ऐसा लगा कि अरे सर हैं, कि कोई सामने गाली भी दे रहे, उसको कन्विंस भी कर लिया। वही मैं बोल रहा हूँ ना, हर गियर में डालने आना चाहिए पेशेंट को। उन्होंने वो सारे लोगों को ऐसा तरह से बताया, मुझे तो समझ नहीं आया क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती थी, मुझे क्षमा करिए। बाद में मैं कभी सर से पूछूंगा कि सर ने क्या बोला था। तो और वो भी सॉल्व कैसे किया, 10 रुपये का मोमबत्ती और माचिस से उन्होंने सॉल्व कर लिया वो प्रॉब्लम, और इतने लाखों रुपए कमाए। तो सर ने क्या कन्विंस किया, मैं एक बार सर से पूछूंगा। तो सर ने ना, वो इतना ऐसा वायलेंट सिचुएशन था, उसमें भी लोगों को भिषक वैश्य आड्य रोगी भिषक वैश्य ज्ञापको सत्वान अपि अपने अंडर में कंट्रोल में कर लिया। तो इसके लिए वो सर की साधना कितनी ग्रेट है। और जो पेशेंट को तकलीफ हुआ था, बाद में पता चला कि पेशेंट ने ही कुछ तो ये खाया था, मतलब उल्टा पुल्टा खाया था, चाइनीज फूड खाया था, शराब पिया था, विरुद्ध अन्न खाया था, उसके वजह से हुआ था, सर का गलती नहीं था। लेकिन वो मैनेज करना, और फिर वही जो गुंडे मारने को आ रहे हैं, वायलेंट मतलब वायलेंट मूड में आ रहे हैं, उन्हीं को पटा के और उन्हीं को कन्विंस करके सारे को दवाई देना और पैसा भी कमा लेना, ये जमदग्नि सर हैं। इसीलिए ना मुझे इतना ऐसा लगता है कि वो मेरे सच में गुरुजी हैं। आप लोग भी ऐसा स्किल सीखिए, तभी आप लोगों का प्रैक्टिस सक्सेसफुल होगा। अब मैं आप लोगों को ना, अभी बहुत सारा चर्चा हो गया जो प्रैक्टिकल है, तो मैं अभी आप लोगों को ना नमस्ते प्रणाम बोल देता हूँ। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर शक्ति सोनी जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर वर्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। कोई प्रश्न पूछिए आप लोग।
डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, आपको भी कोटि कोटि नमन। डॉक्टर अर्चना जायसवाल जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपा जी, नमस्ते प्रणाम आपको। आयुष दर्पण टीम की तरफ से एक नया डिजिटल ऐप के बारे में जानकारी दी जा रही है, इसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, गूगल के प्ले स्टोर से। और इसमें आप लोगों को ना हर लेक्चर के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल पता चलेगा। अभी मैं अपने सर के जो PDF वगैरह जो है नोट्स, वह भी उसमें शेयर करने वाला हूँ, तो आप लोगों को और जानकारी मिलेगी प्रैक्टिकल। डॉक्टर शक्ति सोनी जी बोल रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आपके द्वारा पढ़ाए गए औषधियों के ज्ञान का बहुत उपयोग कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही बेहतरीन रेस्पॉन्स मिल रहा है, स्पेशली AKT। AKT मतलब अमृता गूगल, केशव गूगल, त्रिफला गूगल। आपका आपके हाथ से इतने पेशेंट ठीक हो रहे हैं, जो पुण्य मिल रहे हैं ना, वो उसका 10 गुना पुण्य मुझे भी मिल रहा है, क्योंकि मैंने अपना नॉलेज जो है वो आप लोगों को बताया। आपके पेशेंट ठीक हो रहे हैं, वो पुण्य जो है ना, वो मेरा मिल रहा है, और ये पुण्य यहाँ से अब मेरे गुरुजी के पास भी जा रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए ना ज्ञान बढ़ाना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। डॉक्टर निधि जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मयूरी जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद वर्मा जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अदिति त्रिपाठी जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गिरी जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ज्योति पाल जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर योगेश महाजन जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, आपके लेक्चर का टाइमिंग का शेड्यूल देखिए, सुबह 6 बजे चरक संहिता का होता है, फेसबुक लाइव होता है, 7 बजे हम लोग वाग्भट का, हर व्यक्ति एक श्लोक बोलेगा और उसका मीनिंग बोलते हैं, 7 बजे जूम पे होता है, उसको हम फेसबुक पे भी लाइव किया जाता है, तो 7 से 8 बजे तक होता है, 6 से 7 चरक संहिता, 7 से 8 वाग्भट, उसके बाद में 4 से 5 एक योग रहता है, एक मेडिसिन का हम लोग फॉर्मुलेशन वगैरह बताते हैं, फिर रात को 8:30 बजे इंटरेक्टिव सेशन होता है, जिसमें प्रैक्टिशनर लोग आते हैं और अपने अपने अनुभव पूछते हैं, अनुभव बताते हैं, सक्सेस स्टोरीज बताते हैं, कुछ डाउट्स हैं, क्योंकि ना चिकित्सा की बारीकियां समझना बहुत जरूरी होता है, छोटे छोटे चीज रहते हैं जो चिकित्सा में अटक जाता है कोई भी इंसान, वहां पे इतना मतलब वैद्य समूह निसंशय कराणाम, वैद्य का समूह जो है वह शंका को दूर करने वाला होता है, और तो वहाँ एक फैमिली की तरह हम लोग बन गए, सारे विद्वान वैद्य हैं, वहाँ सुनने से भी बहुत सारा चीज़ सॉल्व हो जाता है, तो वहाँ आप लोग 8:30 से 10 बजे आइए, ऐसे मेरे 4 लेक्चर होते हैं दिन में। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनीश चौहान जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शक्ति सोनी जी बोल रहे हैं कि डॉक्टर सर, श्वेत कुष्ठ में प्रयोग क्या कर सकते हैं? इसमें बहुत सारा मेरा, आप यूट्यूब में देखिए, श्वित्र पर मैंने बहुत अच्छा लेक्चर लिया है, यूट्यूब में आपको सब मिल जाएगा, आप डालिए श्वित्र ल्यूकोडर्मा और डॉक्टर अरविंद पाठक का यूट्यूब में सारा चीज़ मिल जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से बताया है वहाँ पे, और वो जो भी बताया वो ओपनली है, कोई छुपाया हुआ नहीं है, सभी चीज़ सब लोगों को बताना है। डॉक्टर विजू जी, नमस्ते प्रणाम आपको। उषा जी पूछ रही है कि लक्षण ऑफ द्रवता वृद्धि और पित्त, आपके पास जब पेशेंट आ रहे हैं और उल्टी कर रहे हैं, पित्त की उल्टी कर रहे हैं, तो वो जो उल्टी है, वमन है, वही तो द्रवगुण बढ़ा हुआ है, आप ना पित्त लीजिए, मतलब कोई एसिड लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में बढ़ जाएगा, क्वांटिटी में बढ़ जाएगा, तो वही तो उल्टी में निकल रहे, अग्नि मंदता भी है, अग्नि उसको पचा नहीं पा रही है, खाने को पचा नहीं पा रही है, स्रोतोरोध हो गया है, और द्रव गुण बढ़ गया है ना, उल्टी में निकल रहा है, या खट्टा पानी आता है गले तक ना, ऐसा लगता है कि कुछ खा लिया ना, एसिडिटी है, तो ऐसा बर्फ आते हैं जो खट्टापन ऐसा गले में फील होता है, यही द्रव गुण की वृद्धि होती है, उष्णता तीक्ष्णता बढ़ती है, तो दाह होने लगता है, इंटरनल दाह होने लगता है, पेन होने लगता है, बर्निंग होने लगता है, तो उष्णता तीक्ष्णता वो है, द्रवता ये है कि उल्टी आ रही है या गले में ऊपर तक आ रहा है, उसको ऐसा ये लक्षण है, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी, नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रश्मि जी पूछ रही हैं कि प्रमेह में पित्त की द्रवता को कम करने के लिए लीला विलास रस यूज कर रहे हैं, जी आप बहुत अच्छा कर रही हैं, इसका प्रयोग करिए, आप ना युक्ति लगाइए कि इसको कहाँ यूज करना है, इसको कहाँ यूज करना है, प्रमेह रोग में यकृत का कार्य अच्छा करना है, यकृत का कार्य अच्छा करना है तो पित्त की द्रवता को बैलेंस करना है,
इसलिए लीला विलास रस का प्रयोग करना है, ऐसे ऐसा सोच के कर सकते हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी बोल रहे हैं गॉल ब्लैडर में दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं, त्रिविक्रम रस के साथ दीजिए, आरोग्य वर्धिनी के साथ दीजिए, सुरशेखर के साथ दीजिए या ताम्र भस्म के साथ दीजिए, फिर उसके बाद में पित्तज ग्रहणी फॉर्मूला जो है, पित्तज ग्रहणी में जैसे भू निम्बादी चूर्ण, किरातिकतादि चूर्ण, उसके साथ में गॉल ब्लैडर में देंगे ना, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर ज्योतिपाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। रश्मि जी बोल रही हैं कि रक्त प्रसादन एंड रक्तवर्धन की तरह यूज कर रहे सकते हैं, बराबर रक्त का प्रसादन करते हैं, रक्त का वर्धन करते हैं, लेकिन यह डायरेक्ट रक्त पे काम नहीं करता है, यह पित्त दोष को बैलेंस करता है, यकृत का कार्य अच्छा करता है, तो इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है कि रक्त का प्रसादन होगा, रक्त का वर्धन होगा इनडायरेक्टली। मेन ये अम्लपित्त की दवाई है, इसको याद रखिए। डॉक्टर रजनीश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विजू जी बोल रहे हैं कि सर कैन बी यूज्ड इन अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस में तो अगर हमें इन्फ्लेमेशन को कम करना है तो सूक्ष्म त्रिफला दीजिए, उसके बाद में हाँ अपेंडिसाइटिस में अगर वॉमिटिंग हो रही है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होना, ये एक सिम्टम होता है अपेंडिसाइटिस का, सर्जरी के बुक में देखिए, पेशेंट भी आते हैं ना कि अपेंडिसाइटिस, एक्यूट अपेंडिसाइटिस है और बहुत जोर से प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पित्त निकल रहा है, खाना पच नहीं रहा और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करते हैं साइक्लोपाम का इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को ना, ये सलाइन लगा देते हैं, तो वो कंडीशन में अगर हमने वॉमिटिंग को रोकना है, पित्त यकृत का कार्य अच्छा करना है, स्रोतोरोध को दूर करना है, मतलब पचन क्रिया अच्छा करना है और उल्टी को रोकना है, तब लीला विलास रस का प्रयोग करना है, लेकिन अपेंडिसाइटिस का मेन जो है हमें ये इन्फ्लेमेशन कम करना है तो उसमें रक्त मोक्षण कर दीजिए उधर से मैकबर्नीज पॉइंट से, दूसरा एकेटी दीजिए, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला, अगर वो अपेंडिक्स जो है वो फट गया, मतलब वहाँ पे रप्चर हो गया, तब तो सर्जरी कराना पड़ता है, तब रिस्क मत लीजिए, हमें कौन सी मेडिसिन कब देनी है, कौन सी कंडीशन में क्या करना है यह मालूम होना चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा पेशेंट देखिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तब फायदा होगा। डॉक्टर कैलाश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शारिक कलीम जी नमस्ते, थैंक यू, आपने मुझे इतना मोटिवेट किया, थैंक यू। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राकेश ग्रोवर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी का क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग मेंसेस एसिडिटी खट्टी डकारें ज़्यादा हो रही हैं तो क्या विचार करें, तो ये दीजिए ना ड्यूरिंग मेंसेस, आप लीला विलास रस दीजिए अनार के रस के साथ या कुमारी असव के साथ, कुमारी असव के साथ नहीं, इसको आसव रिष्ट के साथ ना देखें क्योंकि उसमें एसिडिटी बढ़ सकता है, आप क्या करिए कि लीला विलास रस को अनार के रस के साथ या आंवला के रस के साथ या बेल का मुरब्बा या आंवले का मुरब्बा या गुलकंद के साथ देंगे ना, तो एसिडिटी को, पर्टिकुलर एसिडिटी को कम करना है, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी नमस्ते प्रणाम सर आपको। डॉक्टर सरोज देसाई जी नमस्ते, जय धन्वंतरी, आज आपने बहुत अच्छा सा पढ़ा था डॉक्टर अरविंद जी, अरविंद सक्सेना जी थैंक यू, आपने बहुत अच्छा आज वाग्भट पढ़ा था। डॉक्टर सरोज देसाई जी आपने बहुत अच्छा पढ़ा था। डॉक्टर मैथिली जी नमस्ते, थैंक यू आपको भी। डॉक्टर सुषमा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी बोल रहे हैं कि हाँ सर मैं आपके पास कब आऊँ, आप धन्य हैं, आपके हाँ का इंतज़ार करूँगा, मुझे आपके चरणों की धूल ही मिल जाए तो यही आशीर्वाद मेरे जीवन का सपना हो। अभी लॉकडाउन है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लॉकडाउन पूरे भारत सरकार ने लगाया, महाराष्ट्र सरकार ने लगाया, तो ट्रेन बंद है, प्लेन बंद है, सब बंद है, आप कैसे आएंगे, थोड़ा रुक जाते हैं। डॉक्टर अनिश चौहान जी बोल रहे हैं कि सर लीला विलास का कब प्रयोग में लें, सुरशेखर कब लें, कपर्दक भस्म कब लें, जब एब्सॉर्प्शन करना है, खाने का खाना पचना चाहिए और हमें ना इस पे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन पे काम करना है, तब कपर्दिका भस्म का प्रयोग अच्छा रहता है। सुरशेखर रस साम पित्त की अवस्था में बहुत अच्छा, आम युक्त पित्त जब रहता है तब सुरशेखर रस का प्रयोग होता है, और लीला विलास रस जो रहता है वह हर पित्त की अवस्था में होता है और यकृत को उत्तेजना देना है, पचन क्रिया अच्छा करना है, तब लीला विलास रस का प्रयोग करिए। सुरशेखर और लीला विलास में क्या है कि सुरशेखर में धतूरा का बीज है, तो इसका प्रयोग ना, धतूरा जो है वह कैसा है, विषारी द्रव्य है, तो सुरशेखर रस का प्रयोग हम मतलब ज़्यादा दिन तक और ज़्यादा मात्रा में नहीं कर सकते, सुरशेखर का एक लिमिट होता है, जैसे कि क्या होता है ना कि मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था तो यहाँ 7 कॉलेजेस हैं, तो एक ना तिलक आयुर्वेद कॉलेज है, मैं अष्टांग से किया हूँ, अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज से किया हूँ, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो एक ना मेरा क्लासमेट था तिलक आयुर्वेद कॉलेज का, तो उस रात रात भर पढ़ते थे, उस टाइम पे डेढ़ डेढ़ साल का BMS होता था, पूरे भारत में क्या था
वो तो बाद में ये डॉक्टर वेद प्रकाश त्यागी जी है ना सीसीएम के, उन्होंने एक एक साल का कर दिया बीएमएस, एक साल का फर्स्ट ईयर फिर ऐसे कर दिया। पहले जब हमारा बीएमएस हुआ था ना पुणे यूनिवर्सिटी से, तो उस टाइम पे 1.5 साल का फर्स्ट ईयर, 1.5 साल का सेकेंड ईयर, 1.5 साल का थर्ड ईयर, ऐसे होता था। तो वो ना क्या करते थे, रात रात भर पढ़ते थे, इतने सारे सब्जेक्ट रहते थे, सिलेबस भी ज़्यादा होता था, तो ना हाइपर एसिडिटी होने लगी। हाइपर एसिडिटी होने लगी ना, तो उसने क्या किया, वो मेरे क्लास का लड़का था, उसने दूसरे कॉलेज का, उसने 2 शूट शेखर खाया, उसका एसिडिटी ठीक नहीं हुआ, उसने 4 खाया नहीं ठीक हुआ, ऐसे करते करते 20 गोलियां खा लिया। और 20 गोली खाने के बाद उसको ना छाती में ऐसे सांस फूलने लगा, उसको बहुत घबराहट होने लगी, बहुत ज़्यादा जलन होने लगा, इतना तकलीफ होने लगा कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और चक्कर आके बेहोश हो गया। फिर उसको लेके गए आईसीयू में लेके गए, उसका चेकअप हुआ, सब कुछ हुआ। तो वहाँ जो मेडिकल ऑफिसर थे वह सारे बीएमएस डॉक्टर ही कर रहे थे, उन्होंने देखा आईसीयू में, तो ऐसा सब एक्सरे वगैरह सब हुआ, सीटी स्कैन हुआ, पता चला ना कि इंटरनल हिमरेज हो गया था। तो ना उसको तुरंत ही इमरजेंसी में चिकित्सा हुआ, सर्जरी किया गया, बहुत सारी दवाइयाँ दी गई। फिर बाद में हिस्ट्री निकाला गया, पता चला कि सूट शेखर 20 गोलियाँ एक बार खा लिया था, तो रक्तवाहिनी नहीं फूटेगी, धतूरा का बीज है, साइड इफेक्ट होता है सूट शेखर का, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मतलब एसिडिटी ठीक नहीं हो रही है, तो इसका मतलब सूट शेखर 20 गोली खा लेंगे क्या? तो यह ना मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, यह चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, यह प्रैक्टिकल हम लोगों ने देखा है। बाद में वो ठीक कर दिया गया, धतूरा का एंटीडोट दिया गया और चिकित्सा दिया गया, सर्जरी हुआ उसका, ओपन हार्ट सर्जरी टाइप किया गया, क्लॉट को पूरा भरा गया, उसके बाद में सुचरिंग किया गया और बहुत सारे एंटीकोगुलेंट मतलब ब्लड थिनर वगैरह मेडिसिन दिया गया, तब बैलेंस किया गया, नहीं तो वो बचता नहीं, इमरजेंसी की कंडीशन थी। तो लीला विलास रस में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है, लीला विलास रस जो है इसका मतलब ये नहीं कि इसको भी ज़्यादा देना है, ताम्र भस्म में तो अभ्रक भस्म में तो यह भी ज़्यादा नहीं देना है, लेकिन ना ये थोड़ा सेफ मेडिसिन है, सूत शेखर के वजह सूत शेखर की अपेक्षा थोड़ा सेफ मेडिसिन है। सूत शेखर का काम सूत शेखर ही कर सकता है, लीला विलास का काम, अब क्या है कि हाई बीपी है तो स्वर्ण सूत शेखर हम लोग लेते हैं और सब लिंग वाली चूसते हैं तो बीपी तुरंत कम होता है, या सादा सूत शेखर भी करते हैं, या किसी को हेडेक हो रहा है बीपी की वजह से तो सूत शेखर का काम सूत शेखर ही कर सकता है। लेकिन सूत शेखर रस हम कंटिन्यू ज़्यादा दिन नहीं दे सकते हैं, जिसको ऐसा क्या होता है कि शिफ्ट ड्यूटी कर रहे हैं पेशेंट, मतलब रात का उसका शिफ्ट ड्यूटी है, कभी दिन में है कभी मॉर्निंग है, ऐसा कंपनी वाले करते हैं, तो उनको सूट शेखर देना पड़ता है हमें, तो हम कंटिन्यू सूट शेखर तो ना देंगे, हम लीला विलास को रसायन के रूप में दे सकते हैं उसको, और वो भी ब्रेक करना है थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन में दे सकते हैं, इसलिए ना अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग मेडिसिन देना चाहिए। डॉक्टर ज्योतिपाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। और ऐसा कंडीशन में कभी कभी हमें प्रवाल पंचामृत देना पड़ता है, जो गोदुग्ध भावित रहता है उसको हम सालों साल चला सकते हैं गुलकंद के साथ, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो उसका कार्य अलग रहता है। या शंख पिष्टी दे सकते हैं, मोती पिष्टी दे सकते हैं, तो वह ज़्यादा दिन भी दे दिया तो साइड इफेक्ट नहीं होता। सूट शेखर रस ज़्यादा दिन नहीं देना है, ज़्यादा डोज में नहीं देना है, उसका भी एक लिमिट रहता है। डॉक्टर दीप्ति जी पूछ रहे हैं कि ब्राउन कलर स्टूल, ऑकल्ट ब्लड प्रेजेंट इन स्टूल, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस इन इलियम, नो पेन, नो अम्लपित्त लक्षण, मोशन नॉर्मल, अग्नि गुड, हेतु कंजम्पशन ऑफ कर्ड रेगुलरली, रेगुलर एलोपैथिक मेडिसिन, विल लीला विलास रस वर्क विद अदर मेडिकेशन। 100% काम होगा जी इसमें ना, अगर ब्राउन कलर स्टूल आ रहे हैं तो पुरुष विरंजनीय गण जो है, पुरुष विरंजनीय गण में क्या है, सिंपल सिंपल है, आम का तो आम का छाल है, जामुन का छाल है, यह सब दे दीजिए ना पुरुष विरंजनीय गण में, 10 द्रव्य जो है चरक के, उसमें से एक दो भी मिलते हैं वह दे दीजिए पेशेंट को, ऑकल्ट ब्लड जो स्टूल में आ रहा है वो ठीक हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है वो ठीक करेगा, पुरुष विरंजनीय गण तो बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा है कुटजारिष्ट है, कुटजवले है, बिल्व के बिलाजिल करके आता है सांडू का, वह दे दीजिए बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। और यकृत का कार्य अच्छा करना है, पित्त का कार्य अच्छा करना है, उसमें लीला विलास रस का यूज करेंगे ना। अब इसमें है क्या, ताम्र भस्म में, अभ्रक भस्म में कज्जली है, फिर आंवला है, बेहड़ा है, और भांग भांग का ये दिया है, भावना दिया है, यह सब इन सब का कॉम्बिनेशन है, वह इंटेस्टाइन की क्रिया को अच्छा करेगा, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छा करेगा। दूसरा यकृत का कार्य अच्छा करेगा, पचन क्रिया अच्छा करेगा, तो सेफ मेडिसिन है, तो आप इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा दीप्ति जी। डॉक्टर उषा जी बोल रही हैं कि प्रणाम सर, ऑल लेक्चर्स आर एक्सीलेंट, थैंक यू। डॉक्टर सविता जी ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, कोलेसिस्टेक्टोमी जब करते हैं ना, गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है, पेशेंट को क्या होता है, गॉल ब्लैडर निकाल दिया ना,
कंटिन्यू उनको ना पित्त की तकलीफ रहती है, तो पेंटाप्रेजोल, रेंटेक, रेनेटिडिन, प्रोटोन पर इनहिबिटर्स दवाइयाँ हमेशा लेना पड़ता है एंटासिड की, या फिर अगर वो दबा दिया तो पूरे बॉडी में दाह होता है, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं बहुत ज़्यादा, पेट की शिकायत हमेशा रहती है, खाना पच नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तब इसको लीला विलास रस को रसायन के रूप में एक गोली सुबह एक गोली शाम को इसको कंटिन्यू सालों साल चला सकते हैं, साइड इफेक्ट नहीं होता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। ताम्र भस्म जो है वो यकृत के लिए अच्छा है, कोई पॉइजनस इफेक्ट नहीं करता। उसके बाद में ये जो अदरक भस्म है वह भी रसायन के रूप में प्रयोग करते हैं, और ये उसमें ये डाला है हरदी छोड़ के बेहड़ा और आंवला डाला है, बहुत अच्छा है, इसको आप कंटिन्यू भी दे सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कॉलेसिस्टेक्टोमी में के पेशेंट में मैंने दिया है, मेरे पेशेंट 3 साल से ले रहे हैं लीला विलास रस, बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। डॉक्टर गायत्री जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी पूछ रहे हैं कि सर से पूछ के जरूर बताना, क्या डॉक्टर वैशाली जी का क्या क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर गरिमा सैनी जी बोल रही हैं कि प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली माने जी आपका क्वेश्चन क्या है, आप उसको अच्छे से बोलिए। डॉक्टर गरिमा सैनी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुधीर साहू जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर संजय त्यागी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर संजय त्यागी जी आप सुबह आए थे लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा श्लोक पढ़ा करिए क्योंकि हमें सुनना है आपको। डॉक्टर सिद्धेश पांड्या जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर हरजीत सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर इपिंदर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी थैंक यू, आप मुझे मोटिवेट करते रहिए, मैं और आऊँगा ऐसे लेक्चर देके। डॉक्टर राजिंदर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अंकित जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर इपिंदर जी का क्वेश्चन है कि सर स्थूल पेशेंट में मेदो पाचक के साथ एसिडिटी के लिए साथ में यूज़ कर सकते हैं, 100% यूज़ कर सकते हैं, जिसको स्थूलता है और उसका खाना पीना गड़बड़ है और उसको हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है, उसके लिए आप इसका प्रयोग करिए, यह यकृत को उत्तेजना देगा, यकृत का उत्तेजना देगा तो पाचक पित्त का स्त्राव अच्छे से निकलेगा, पाचक पित्त में स्त्राव अच्छा निकलेगा तो मेदो पाचक के साथ में मेद का ये पचन करेगा, मेद का पचन करेगा तो वेट लॉस भी होगा, यकृत भी अच्छा होगा, अग्नि की क्रिया भी अच्छी होगी, इसका प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर वर्षा जी पूछ रही हैं कि आरोग्यवर्धिनी का युवा पीड़िका AKT के साथ 17 साल में क्या डोज रहेगा, आपकी प्रकृति क्या है, पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से तभी आप 2 BD दे सकते हैं या 1 BD दे सकते हैं, और इसमें और महामंजिष्ठादि क्वाथ दे दीजिए, फिर उसके बाद में वर्णगन दे दीजिए, और युवा युवान पीड़िका जो पिंपल्स आते हैं ना उसमें कोष्ठ शुद्धि होना बहुत जरूरी है, तो ना ऐसा दवाई दीजिए जो विरेचन करे, पेट साफ करे। एक तो युवा पीड़िका में 2 चीज़ पे एक ध्यान दीजिए, एक तो लेप बताए वचा लोद्र और धान्यक, वो लेप लगाने से ठीक होता है, लेकिन इसमें क्या करना है कि मेंसेस को कंट्रोल करना, मेंसेस को ठीक करना है हमें, कभी कभी इरेगुलर मेंसेस की वजह से भी युवान पीड़िका आती है, पिंपल्स आते हैं। दूसरा क्या है कि पेट साफ होना चाहिए, तो अभी त्रिफला गुगुल है वो पेट साफ करता ही है, इन्फेक्शन भी ठीक करता है, तो पेट साफ होना जरूरी है, अग्नि बढ़ना जरूरी है, और दूसरा मेंसेस अच्छा होना जरूरी है, ये 3 चीज़ को आपने ठीक कर दिया ना वो युवान पिड़का एक बार ठीक हुआ तो फिर कभी नहीं आएगा लाइफ लॉन्ग। और तेल मिर्ची मसाला गरम मसाले वाली चीज़ें थोड़ा वर्ज करिए उनको। डॉक्टर अनुप्रीता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर शोभना जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मोहित जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर कामिनी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर भावना जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना ये मुझे मेरे आदरणीय गुरु जी ने पढ़ाया है, इतना एनालिसिस करके इसको अच्छे से समझ के, लीला विलास रस मुझे कॉलेज में कभी किसी ने नहीं बताया, कॉलेज में तो मैं जाता था मुझे लीला विलास रस भी नहीं मालूम था, पूरा मेरा BMS भी हो गया तो पता नहीं चला, जब सर के पास देखा बार बार यूज तब समझ आया कि लीला विलास रस का प्रयोग अम्ल पित्त में अलग अलग अवस्थाओं में होता है, और सिंपल दवाई है, इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होता और कंटिन्यू भी दिया जा सकता है, तो ना ये गुरु लोग जो रहते हैं ना वो लोगों का ही आशीर्वाद है कि हम लोग को, हम जैसे लोगों को उन्होंने इतना नॉलेज दिया और वो भी बिना छुपाए दिया, सबको सब चीज़ सिखाया उन्होंने, तो मेरे से ज़्यादा मेरे गुरु को आप नमस्ते बोलिए। आप पुणे में आएंगे तो मैं अपने जमदग्नि सर से मिलाने ले चलूँगा, आप उनके चरण छूए कि उन्होंने मुझे सिखाया ताकि मैं आप लोगों को सिखा पा रहा हूँ, तो ठीक है मैं अपना नंबर देता हूँ, कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर दे दिया है। डॉक्टर हेमंत शाह जी नमस्ते, जय धनवंतरी। तो मैं ना अभी, डॉक्टर दिलीप जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग ना अभी थोड़ा रेस्ट करिए, कुछ पढ़ाई करिए, क्लिनिक में जाइए,
और उसके बाद में पढ़िए लीला विलास रस, आप लोग पढ़िए कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ करना है, फिर अपना योजना बनाइए कि हमें भी लीला विलास रस का प्रयोग करना है प्रैक्टिस में, ऐसा सोचेंगे, एनालिसिस मतलब सतत चिंतन करना है, अध्ययन करना है, मनन करना है। मनन का मतलब है कि बार बार सोचना है, बार बार सोचना है। हम अपने पेशेंट को ये कंडीशन में देंगे, ऐसा खुद बनाइए। क्या है ना कि केवल डॉक्टर अरविंद पाठक के लाइन पे नहीं चलना है आपको, डॉक्टर अरविंद पाठक से 100 गुना आगे बढ़ना है आपको, और आगे जाना है आप लोगों को, और अच्छा प्रैक्टिस करना है, और पैसा भी कमाना है, और मतलब मेरे से 100 गुना आगे सोचना है। इसलिए ना आप लोग भी पढ़िए, आगे बढ़िए। मैं ये शुभकामना देते हुए अभी का लेक्चर बंद करता हूँ। प्रणाम, नमस्ते।